वोकल फॉर लोकल, भारत को खिलौना हब बनाने के लिए झारखंड की बड़ी पहल। बार्बी डॉल को मुकाबला देने आ गई है हमारी ये झारखंडी गुड़िया, जो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित होती है। कपड़े की बात करें या इसके जेवर की, सभी हाथों से बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने में लगते हैं तकरीबन 20 घंटे। गले में झारखंडी हसली, पैरों में कड़ा, कान में चिल्पी, सिर में सफ़ेद टैया लगाए हुए ये प्यारी गुड़िया ऐसी लगती है जैसे अभी ही बोल पड़ेगी। झारखंड की शोभा बढ़ाने वाली रांची की शोभा, जिन्होंने तैयार की है अपनी कड़ी तपस्या से ये खूबसूरत गुड़ियों का प्रतिरूप। मार्केट में मिलने वाले खिलौने के स्टॉक में से 70% का स्टॉक आता है चाइना से, पर अब समय आ गया है चाइना के प्रोडक्ट को हम इग्नोर करें और अपनाएं अपने इस भारतीय गुड़िया को। ये गुड़िया ना ही सिर्फ देखने में सुंदर होती है बल्कि इसमें अपनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। रांची की शोभा जी ने अच्छी पहल करते हुए इतनी खूबसूरत गुड़िया बनाई है कि कोई भी इसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। इनकी खूबसूरती देखने को बनती है। हाथों से तैयार किए गए इनके कपड़े, इनके जेवर या इनकी हेयर स्टाइल, सब मिलकर ये औरतें ही तैयार करती हैं। कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने 7 औरतों का टीम तैयार किया है और ये सारी औरतें मिलकर इतनी खूबसूरत गुड़िया बना के तैयार करती हैं। सभी गुड़िया एक दूसरे से अलग होती है, उनकी ड्रेस भी एक दूसरे से मैच नहीं करती है, प्लस उनकी हेयर स्टाइल या फिर उनके कोई भी गेटअप की बात कर ले, जैसे कि इसी का गेटअप देख लीजिए। ये पाइका डॉल है जो झारखंड का बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है। झारखंडी गुड़िया रांची की शोभा जी की 12 सालों की तपस्या है। एक गुड़िया बनाने में लगभग लगते हैं 20 घंटे। न्यू अलकापुरी की रहने वाली शोभा की इस तपस्या को उनकी 7 महिला सारथी सार्थक बना रही है। खास बात यह है कि सभी खिलौने हाथों से बने होते हैं। कपड़े से लेकर ज्वेलरी, सभी जरूरत की अन्य सभी सामान वे खुद तैयार करती हैं। राजस्थान में अपने बेटे के स्टडी के दौरान रामपुरा में जाकर इन्होंने गुड़िया बनाने की ट्रेनिंग ली, फिर झारखंड आकर यहाँ की लोकल झारखंडी गुड़िया बनाना स्टार्ट किया। 7 साल ट्रेनिंग देकर महिलाओं की एक फौज तैयार की। शोभा जी टूथपेस्ट से डब्बे से मांदर, एमसील से ढाल, कलम के रिफिल से ताबीज़ बना लेती हैं, मीन्स यूजलेस चीज़ों का भी यूज़ करती हैं ये अपनी गुड़िया को सजाने में। बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग इसे यूज़ करते हैं अपने कार के बैक सीट में सजाने के लिए, अपने घर के कॉर्नर्स को डेकोरेट करने के लिए। वो कॉर्नर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है जहाँ हम रखते हैं अपनी ये प्यारी सी गुड़िया। लोकल को ग्लोबल करने की अपील करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करने के लिए उन्होंने रांची सांसद संजय सेठ जी को एक झारखंडी गुड़िया भी दी है। एक गुड़िया बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। गुड़िया का सिर उनके बनाए विशेष मिट्टी से बनता है। हाथ पैर शरीर के लिए कपड़े के खोल बनाए जाते हैं जिसमें लकड़ी का बुरादा भरा जाता है और उसका शेप तैयार किया जाता है। कपड़े वह राजस्थान और दिल्ली से मंगवाती हैं, बाल भी दिल्ली से आते हैं। गहनों के लिए मोती स्टोन कोलकाता से आते हैं। सृजन हैंडीक्राफ्ट संस्था के अंतर्गत फुलमणि कश्यप, ज्योति बाडला, निशा मेहता, सेलिना कश्यप, सुनीता एक्का आदि महिलाएं खिलौने बनाने में उनकी मदद करती हैं। 1000 से लेकर 7000 की गुड़िया है इनके पास, है ना ये गुड़िया बहुत ही खूबसूरत और एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अगर आपको भी ख़रीदना है ये गुड़िया तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शोभा जी से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें और उनसे कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए सुनते हैं इस बारे में शोभा जी क्या कहना चाहती हैं हमसे और हमारी जनता से। ठीक है, तो अब जैसे ही इसका कुछ कलेक्शन हो गया तो इसको मार्केट में एग्जीबिशन वगैरह में हम इसको सेल का कोशिश करते हैं। तो अब हम यही कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जो जी जो अभी अभियान चलाए हुए हैं उससे हम लोगों को कुछ फ़ायदा हो और इसको एक सही मार्केट मिले, क्योंकि सही मार्केट अभी तक इस चीज़ को नहीं मिला है। अगर ये बाहर जाता है या फिर इसको सही जगह मिलता है तो इसमें सम्मान भी होगा और इसका नाम भी रोशन होगा। नाम भी मेले में ही बिक्री करते हैं। तब तो यह माना जाए कि पिछले मार्च के बाद से कोई मेला नहीं लगा, तो कोई मेला नहीं लगा है। और फिर हम लोग का अपने कोशिश करके जो जान पहचान के हैं या 20 साल से जो मेरा काम चल रहा है तो कुछ पहचान है उन लोगों के द्वारा और कुछ कंपनी या कुछ एनजीओ है जो मोमेंटो के रूप में इसको देते हैं। मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि हम लोगों को एक अच्छा बाजार मिले, कुछ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अगर आर्थिक मदद हो जाता है तो आर्थिक मदद भी हम लोग चाहते हैं। 87 महिलाओं का एक ग्रुप है, इसमें कुछ महिलाएं सेल करती है, कुछ बनाती है
और मेरा काम है ये इस हेड को बनाना, कुछ हम लोग सभी कोई मिलजुल कर काम एकदम दी जा सकती है, बसरते आप जैसा कि चाइना में कुछ मशीन है, कुछ सुविधा है, वहाँ के लोगों को, कारीगरों को कुछ भी चीज़ बनाने के लिए बहुत भागदौड़ का जरूरत नहीं पड़ता है, एक सेटअप रहता है, अगर वो सेटअप हमारे पास भी हो तो संभावना है कि हम लोग भी वो चीज़ कर लेंगे। हमारे यहाँ छोटे छोटे चीज़ों को बनाने का कोई औजार नहीं, मशीन नहीं, वैसा सेटअप नहीं, मशीन नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए जो हेड हम बनाए हैं, जो घर का किचन का चाकू होता है वो चाकू यूज़ किए हैं हम, इसका आँख ना कर ये करने के लिए चाकू और कैंची इसी से हम यूज़ कर लेते हैं, इसको इससे बनाते हैं। तो चलिए शोभा जी की करते हैं मदद भारत को खिलौना हब बनाने में। मिलती हूँ अगली अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।